हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का जब विभाजन हो गया था, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया था, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन आए। हर दृष्टि से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश के भूगोल और मध्य प्रदेश के इतिहास, तीनों में से किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको फाइल देख रहे हैं, ये मेरे मुख्य परीक्षा की फाइल है। इस तरह से नोट्स आपको मिलेंगे फाइल्स में, और जैसे कि आपको ये फाइल दिख रही है, जो आप पढ़ने वाले हो, आप अभी जिसको मैं पढ़ा रही हूँ वो इस फाइल में से आपको पढ़ा रही हूँ। और मध्य प्रदेश स्पेशल अगर आप लेना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश स्पेशल अकेला भी आपको मिल जाएगा। इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 2000 रुपये है और सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 1200 रुपये है। तो आप अगर मध्य प्रदेश स्पेशल लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 4 फाइलें मिलेंगी, मध्य प्रदेश इतिहास, मध्य प्रदेश भूगोल, पेपर का सेकेंड का पूरा पार्ट और पेपर थर्ड का पूरा पार्ट, इस प्रकार से 4 फाइलें आपको मिलेंगी। ये फ्रेंड्स मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। ये प्रीलिम्स के पैकेज में आपको एक ट्रिक की फाइल मिलेगी, एक मैप मिलेगा, योजनाएँ मिलेंगी। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मिलेगा, ट्रिक मिलेगा, विज्ञान, पर्यावरण और जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, एमपीजी के वर्ल्ड लाइनर, ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो 5000 वर्ल्ड लाइनर। इसके अलावा एक टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश भी मिलेगा, दोनों ही मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, उस ग्रुप में रोजाना एमपीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ये मैंने थोड़ा छोटे उसमें लिखा है, ये आपका लगभग 2 पेज में आंसर आएगा। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद आए परिवर्तन समझाओ। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो अलग राज्य बन गए थे। मतलब मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाते हैं, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश जब गठित हुआ था, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब अलग हुए तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश की भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा, जो कि इस प्रकार है। क्या पड़ा? सबसे बड़ा बात क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल, अभी मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आता है, जो पहले पहले स्थान पर आता था। अभी जिसका क्षेत्रफल 3,08,245 किलोमीटर है, पहले इसका क्षेत्रफल 4,43,436 किलोमीटर था, जो विभाजन के बाद इतना बचा है, 3,08,245 किलोमीटर बचा है। तो मतलब क्षेत्रफल में सब परिवर्तन आया। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन आया मतलब ज़मीन में कमी आई, ज़मीन में कमी आई तो खनिज में कमी आई, खनिज में कमी आई और भी संसाधनों में कमी आई। तो सबसे मेन परिवर्तन तो क्षेत्रफल में था। दूसरा है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य का दर्जा छिन गया। पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा हुआ करता था जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, और वह दर्जा इससे छिन गया। लोकसभा सीट जो है 40 से 29 हो गई तथा राज्यसभा सीट 16 से 11 हो गई। पहले मध्य प्रदेश से लोकसभा में 40 लोग जाते थे और अब 29 जाते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा सीट से 16 जाते थे और अब 11 हो गई। वन, खनिज, आदिवासियों की बड़ी संख्या भी छत्तीसगढ़ में चली गई। जनांकिकी में भी परिवर्तन आया। अब जब क्षेत्रफल गया है, लोग गए हैं, तो क्षेत्रफल गया है, ज़मीन गई है, तो उनके पीछे लोग भी गए होंगे। तो मतलब जनांकिकी मतलब जनसंख्या में भी परिवर्तन आ गया। 30% भू क्षेत्र कम हो गया, जमीन का जो क्षेत्र है वो 30% भू क्षेत्र कम हो गया। कृषि उत्पादन में भी 29.93% कमी आई। भू क्षेत्र कम हो गया, कृषि उत्पादन कम हो गया, वन क्षेत्र में 41.4% कमी आई। डाटा आपको ज़रूर मेंशन करना है, डाटा लिखते हैं अगर हम तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो 30% भू क्षेत्र कम हो गया, कृषि उत्पादन में 29.93% कमी आई, वन क्षेत्र में 41.4% कमी आई। धान का कटोरा उपनाम भी प्रदेश से छिन गया। पहले क्या, वो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता था, तो छत्तीसगढ़ हमारे में है तो पूरा मध्य प्रदेश धान का कटोरा कहलाता था, यह उपनाम भी प्रदेश से छिन गया। अब धान हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य फसल नहीं बन गई, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल बन गई। बहुतायत खनिज भंडार छत्तीसगढ़ में चला गया, बहुत ज़्यादा मात्रा का जो खनिज भंडार था वो भी छत्तीसगढ़ में चला गया। बिजली उत्पादन में 400 किलोवाट की कमी आई। बिजली उत्पादन में कितनी कमी आई है? बिजली उत्पादन में 400 किलोवाट की कमी आई है।
निष्कर्ष था, अपने जन्म से 44 साल तक अपने हृदय से लगा कर रखे छत्तीसगढ़ के पृथक होने की पीड़ा निवासियों को सहनी पड़ी। 44 साल तक जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा रहा, उससे अलग होने की पीड़ा निवासियों को सहनी पड़ी। तो इस प्रकार से हम ये आंसर लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसका क्या क्या परिवर्तन हुआ। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेड ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स लेकर पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसी प्रकार की आंसर राइटिंग मिलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।